हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन बुटीक। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग, वो भी मार्किंग के साथ। किस तरह से मार्किंग की जाती है मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है रियोन का, उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी करेंगे मार्किंग। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हम लगाएँगे तीरे का निशान। तीरे का निशान मैंने 7 इंचज़ पर लगाया है। फिर हम लगाएंगे आर्म होल का आधा मार्जिन छोड़ते हुए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्किंग का निशान लगाएंगे। तो मार्किंग भी मैं आर्म होल की मार्किंग भी हम 7 इंचज़ पे करेंगे। हम लगाएंगे चेस्ट का निशान, तो चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 9 इंचज़ पे इस तरह से। अब हम 6 इंच छोड़ते हुए हम लगाएंगे कमर का निशान, और 6 इंच छोड़ते हुए हम लगाएंगे हिप का निशान। अब इन निशानों से हम इन निशानों पर लगाएंगे, ये हमारी कमर आती है 32, तो हम लगाएंगे 32 का। अगर 4 में से फोल्ड करेंगे तो 8 आएगा, तो हम 8 पे निशान लगाएंगे। और 9 पे हिप लगाएंगे हम 9 पे। अगर 9 हमारी 36 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 9 आएगा। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह से आपको सिंपल तरीके से निशान लगा लेना है। आपका जितना भी मेजरमेंट बैठता है आप उसके हिसाब से निशान लगा सकती हैं। अभी निशानों को सीधा कर लेंगे, ये हमारा कमर का और ये हमारा चेस्ट का निशान मिला लेंगे। फिर हम कमर से हिप का निशान को सीधा कर लेंगे। कमर के और चेस्ट के निशान में हमने 6-6 इंचज़ का गैप रखा है। अगर आप चाहें तो चाक नीचा करना चाहते हैं तो आप और भी बढ़ा सकती हैं। अब हम दामन रखेंगे 22 इंचज़, तो हमने 22 इंचज़ पर निशान लगा लिया है और निशान को कमर के निशान से मिला देंगे, हिप के निशान से सॉरी, सीधा कर लेंगे। अब हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है अंदर मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का छोड़ा है हमने, तो 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे लगाने के बाद। अगर आप अपनी चेस्ट रख रही हैं 40, तो आप उससे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 10 आएगी, तो आप 10 रखें। और कमर अगर आपकी 45 है या सॉरी 40 से नीचे है तो आप 4 से डिवाइड कर लें, जितना भी आपका निकल के आता है उसी हिसाब से आप निशान लगा सकती हैं। इसी हिसाब से आप निशान लगाए, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। अब हम हिप के निशान को सीधा कर लेंगे, कमर के निशान को सीधा कर लेंगे, और ये आर्म होल का जो निशान लगाया था हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे 2 इंचज़ पर, 2 इंचज़ पर हमने आर्म होल का निशान गोलाई दी है। ये बैक की हो गई हमारी, और हम फ्रंट के लगाएंगे 1 इंचज़ पर। और नीचे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ज़रूर आई होगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई या अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि और भी वीडियो मेरी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और भी अगर वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकती हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है कुर्ती की। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो मैंने कपड़ा लिया है इसका साइड से बचा हुआ वही कपड़ा, और अब इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई रखेंगे 15 इंचज़, और इधर से रखेंगे हम 13 इंचज़। 2 इंच का हम ढाल देंगे स्लिप्स का, मुड्डे का और ढाल देंगे 2 इंच का उस निशान को। 9.5 इंच में हमने मुड्डे की गोलाई रखी है। अब नीचे से रखेंगे हम 6 इंचज़ और 2 इंच का मार्जिन, तो हमारा 7 इंचज़ हो जाएगा, सॉरी 8 इंच हो जाएगा। अब हम इन निशानों को ऊपर के निशान से मिला लेंगे। हम
बाजू आस्तीन की कटिंग कर ली है। इसी तरह से आप खुद से कर सकती हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजली इस कटिंग को कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।